अच्छा ये धुला गया है क्या ये? लोअर दिखाते खाते लोअर ये यहाँ लोअर टंगा हुआ था, लोअर जला दिए, बैग रखा हुआ था, इस पे बैग तत्वों के द्वारा पूरे अफरा तफरी का माहौल है पूरे चौकी पे। ये देखिए अराजक तत्वों के द्वारा कागज को फाड़ दिया गया है, सरकारी प्रपत्र को फाड़ा गया है, ये देखिए सम्मान को फाड़ा गया है, वारंट को फाड़ा गया है, FIR की कॉपी है इसको भी फाड़ दिया गया है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है, सब पलट दिया गया है, अंदर जो है आग लगाया गया है, अंदर जो है आग लगाया जा रहा है जिसको बुझाया जा रहा है। लाइट जलाओ, लाइट जलाओ, अफरा तफरी का माहौल है। ये देखिए अंदर पूरा आग लगा हुआ है। जो है दीपावली था उसमें हम लोगों ने रेड मारा था दीपावली के, जैसे दोपहर में तो एक बाइक पकड़ी गई थी जुआ खेलते समय, तो उसमें एक BDC था सफा का था, तो वो भी जुआ खेल रहा था वहाँ पे, तो भाग गया था। भागने के बाद जो है वो जो बंदा है वो आया, मैं मार्केट में हम लोग ड्यूटी कर रहे थे, काफ़ी भीड़ थी, भाई अकेला मैं था वहाँ, मुझको संभालना था। उसके बाद जो है ये लोग कुछ लोग आए मार्केट में, कह रहे हैं कि दबाव बनाने लगे मेरे ऊपर, उसको बाइक को दीजिए, आप बाइक को छोड़ दीजिए। हमने कहा देखिए श्रीमान जी अभी हम लोग यहाँ पर हैं, काफ़ी भीड़ है, अभी जब फ्री हो जाएंगे तो शाम तक छोड़ देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो जो है एक है राजेंद्र मिश्रा जी, उन्होंने फोन पे मुझको धमकी देना शुरू कर दिया, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, हमारी बात प्रत्याशी जो रहा ना लगभग 7:15 या 7:30 जो भी हुआ होगा टाइम जो था करीब वही था 7:15 के आसपास। हम लोग के पास एक कॉल आई थी कि यहाँ पर है एक बैरिया डी, वहाँ पे जो है एक ट्रक कुछ लोग विवाद कर रहे हैं लक्ष्मी पूजा विसर्जन को लेकर के, तो हम लोग वहाँ पर जाने तैयारी में थे। अब जैसे ही हम लोग निकल रहे थे तब तक वो लोग दौड़ते हुए उधर से आया, कुछ लोग बाइक खड़ा किया, उसके बाद कुछ 2-3 गाड़ियाँ वहाँ खड़ी हो गई थी। मैंने मुकदमे में गाड़ियों का नंबर नहीं दिया क्योंकि मुझको पता नहीं था, बाद में पता कर लूंगा तो मैं उसको अपने बयान में दूंगा, ठीक है, मैं बख्शूंगा नहीं किसी को। तो वो लोग आए दौड़ते हुए आते ही मतलब गाली गलौज करना शुरू कर दिया, वहाँ बहन की भद्दी गालियाँ देना शुरू किए। फिर मैंने जैसे उनको कंट्रोल करने मतलब जैसे रोकने की कोशिश किया, तो वो लोग एकदम मारने पे जैसे लाठी डंडे से लैस थे, फिर हाथापाई भी मेरे साथ किए, हाथ में भी चोट आई मुझे, फिर मैं भागने लगा, भागने में थोड़ा सा गिरा मैं, थोड़ा सा मेरे पैर में चोट आई घुटने में, बाएं पैर में, ठीक है। और उन लोगों ने फिर अंदर घुस करके चौकी कार्यालय में जो है जो मेज वगैरह था उसको पलट दिए, पूरा जो कागज वगैरह रखा था सरकारी सम्मान था, वारंट था, कुछ FIR की कॉपियाँ थी उसको भी फाड़ दिए। फाड़ने उड़ने के बाद वो लोग भाग करके जो है इधर आए बैरक में आने के बाद यहाँ पर शायद बेड वगैरह था, ये सब पूरा पलट दिए थे, सारा पलट दिए पूरा अंदर घुस करके, हाँ पूरा। उसके बाद जो यहाँ पर जो रखा था बिस्तर उसके साथ मिट्टी उट्टी के तेल जो भी ज्वलनशील पदार्थ जो छिड़क करके उसमें आग लगा दिए, पूरी तरीके से आग लगा के उसके बाद तुरंत वो जो है वहाँ से कल जो फाइल ले करके वो भाग गए। और सेकुलर मोर्चा के लोग हैं उसमें जो है एक नाम है एक अखिलेश उर्फ कल्लू है जो अपने आप को भाजपा कार्यकर्ता बताते हैं, 5 लोगों का नाम दर्ज है, 5 लोगों को मैंने अज्ञात में डाला है, बाकी संख्या और भी ज्यादा थी, मैं बयान में अपना जब मजीद बयान दूंगा तो उसमें संख्या तो किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई।